हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल MBS एजुकेटर। आज फिर हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं हाई स्कूल की मैथमेटिक्स, जिसका पहला चैप्टर रियल नंबर है। उसकी हमने एक्सरसाइज 1.1 पिछले दिन कंप्लीट की थी, उसी क्रम में आज हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे सम देखते हैं, पहला है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। और इस तरह से आपको यहाँ पे 5 सम दिए हुए हैं जिनकी आपको प्राइम फैक्टर्स लिखना है। हम इनमें से कोई एक सम कर लेते हैं। तो चलिए हम थर्ड वाला सम कर लेते हैं, 3, 8 और 2, 5। इसके हम लोग प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं। प्राइम फैक्टर निकालने के लिए आपके पास शॉर्ट डिवीजन मेथड है या तो फिर आपको फैक्टर ट्री मेथड है। चलिए हम लोग फैक्टर ट्री मेथड से इसको निकालते हैं, यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड। अब इसको देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले इसके लिए टेस्ट ऑफ डिवाइजिबिलिटी आपको आना चाहिए कि दी गई संख्या किससे कट रही है। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या से इसको चेक करना शुरू करते हैं। अगर देखा जाए कि क्या 2 से दी गई संख्या डिवाइजिबल है तो लगेगा कि नहीं है, क्योंकि जिसमें इकाई का अंक 2, 0, 4, 6, 8 होता है वही संख्या 2 से डिवाइजिबल होती है। तो इसको अब चेक करते हैं क्या 3 से दी गई संख्या डिवाइजिबल है। तो इसको जोड़ करके देख लेते हैं, 5 + 2 = 7, 8 = 15 + 3 = 18 होता है। तो 18 इसका जोड़ होता है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइजिबल है। 3 से इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, 3 बन जा 3, 2 जा 3, 7 जा 3, 5 जा। अब जो दी गई संख्या है इसको एक बार फिर हम 3 से डिवाइड करके देखते हैं, तो 3 से करेंगे 3, 4 जा 3, 2 जा 3, 5 जा हो जाती है। अब जो दी गई संख्या है 5 + 2 = 7 होता है, 7 + 4 = 11 होता है। 11 3 से डिवाइजिबल नहीं है, इसलिए दी गई संख्या आप 3 से डिवाइजिबल नहीं है। अब इसको हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसमें यूनिट डिजिट 5 है और जिसकी यूनिट डिजिट 5 होती है वो दी गई संख्या 5 से डिवाइजिबल होती है। चलो भाई 5 से डिवाइड करते हैं, 5 8 जा और 5 5 जा हो जाता है। एक बार फिर इसको 5 से ही डिवाइड हम लोग कर लेंगे, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 17 आ जाएगा। और इस तरह से इसके प्राइम फैक्टर आपको मिल गए हैं। और हम यहां पे लिख देते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ 3825 इज इक्वल टू 3 3 5 × 5 × 17। और इसको आप पावर में लिख सकते हैं, स्क्वायर ऑफ 3 × स्क्वायर ऑफ 5 × 17। इस तरह से आपको ये प्राइम फैक्टर मिल जाते हैं। शॉर्ट डिवीजन मेथड से भी इसको निकाला जा सकता था, आप चाहते तो इस तरह से भी कर सकते थे। और यहाँ से आप करके देखते हैं, और इसको सबसे पहले आपने 3 से डिवाइड किया है, 3 से कर लीजिए, 3 बन जा 3, 2 जा और 3 7 जा और 3 5 जा, 3 4 जा 3, 2 जा 3, 5 जा हो जाता है। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 8 जा और 5 5 जा होता है। और फिर एक बार में 5 से करते हैं, 5 बन जा 5 7 जा और 17 को 1 से ही करेंगे। इस तरह से सार डिवीजन से निकालेंगे तब भी इतना ही आ जाएगा, और अगर फैक्टर ट्री मेथड से निकालेंगे तब भी इतना आ रहा है। आपको जो मेथड आसान लगे आप उससे लगा सकते हैं। चलिए सेकेंड सम देखते हैं। और दूसरा सवाल है, फाइंड द एलसीएम एंड एससीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एससीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। और इस तरह से यहाँ पे आपको 3 सम दिए हुए हैं। चलिए हम इसमें से सेकेंड वाला कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 510 और ये हो जाते हैं 2 × 3 × 5 × 17 हो जाते हैं। इसको चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 की पावर भी 1 लगा सकते हैं, 5 1 टाइम है 1 ही रख लीजिए और 17 भी 1 टाइम ही है वैसे लिख देते हैं। अब प्राइम फैक्टर जो है, प्राइम फैक्टर ऑफ 92 के करके देख लेते हैं, 2 होता है × 2 होता है और ये 23 होता है। इसको भी चाहें आप पावर में लिख दें, 2 की पावर 2 हो जाती है और 23 जैसे लिखा था वैसे ही हो जाता है। अब एससीएफ निकालते हैं, एससीएफ का मतलब होता है जो दोनों संख्याओं में कामन मिलती है और जिसकी छोटी पावर है वो आपकी एससीएफ के रूप में होती है। तो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, जो छोटी पावर है उसको ले लेंगे तो ये आपका एससीएफ हो गया। अब एलसीएम देख लेते हैं, और एलसीएम जो होता है जो दोनों में मिलने वाली संख्याएं हैं वो होती हैं, लेकिन जिसकी बड़ी पावर है वो लिया जाता है। तो देखिए 2 इसमें भी 2 इसमें भी है, तो इसकी पावर 2 जो है वो बड़ी वाली वो ले लेंगे। और इसमें जो 3 लिखा हुआ है इसमें 3 नहीं है फिर भी ले लेंगे, इसमें जो 5 लिखा हुआ है लेकिन इस वाले पेयर में नहीं लिखा हुआ है फिर भी ले लेंगे, 17 जो लिखा हुआ है उसको भी रखेंगे और 23 लिखा हुआ है उसको भी लिखेंगे। अगर आप इसके
मल्टीप्लाई पूरा करेंगे तो 23,460 हो जाएगा। चलिए अब इसका हम लोग वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन देखते हैं, एस सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये आपको करके दिखाना है। तो एस सी एफ आया है 2 और एल सी एम आया है 23,460 और टू नंबर्स जो हैं 510 इंटू 92 है। अगर इसको मल्टीप्लाई आप कर लेंगे तो हो जाएगा 46,920 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो ये भी इतना ही बनता है। और इस तरह से आप एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस लिख देते हैं, और जो सवाल में आपसे कहा गया था वो आपने वेरीफाई करके दिखा दिया है। चलिए थर्ड सम देख लेते हैं। थर्ड सम है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स वाई अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जैसे कि अब तक करते रहे हैं। आपकी सवाल में यहाँ पे संख्या जहाँ पे 2 दी थी पिछले सवालों में, इसमें 3-3 संख्याएं दी गई हैं। चलिए तो हम इसमें फर्स्ट वाला सम करके देख लेते हैं। सबसे पहले आपको मालूम है प्राइम फैक्टर आपको निकालना पड़ते हैं, और प्राइम फैक्टर यहाँ पे हम कर लेते हैं आफ 12 के, और ये होते हैं 2 × 2 × 3 होता है। और अब देखते हैं प्राइम फैक्टर आफ 15 कितना होता है, और तो 15 का होता है 5 × 3 होता है, 5 × 3 हो जाता है। और थर्ड वाली जो संख्या है उसका प्राइम फैक्टर भी करके देखते हैं, प्राइम फैक्टर ऑफ 21 और ये 7 × 3 जा होता है। तो एस सी एफ अब आप निकालेंगे तो जो सम में मिल रही होती है संख्या उसको आप कामन में ले लेते हैं, और जो सम में कामन मिलती है वही एस सी एफ होती है। और एल सी एम निकालने के लिए जो सम में संख्या मिल गई थी वो एक बार, जो अब सम में नहीं मिली उसको भी ले लेते हैं। तो 2 और 2 जो है दूसरे पेयर में नहीं फिर भी रख लेंगे, 5 भी इस वाले पेयर में नहीं है फिर भी लिखेंगे, और इसी तरह से 7 भी लिखेंगे। और इस तरह से इसको आप करके देखेंगे 420 हो जाएगा, और इस तरह से आपके एलसीएम और एचसीएफ निकल जाते हैं। सम नंबर जो 4 है वो भी बहुत आसान है, उसमें भी आपको एचसीएफ दिया हुआ है। सवाल लिखा हुआ गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9, फाइंड द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स। चलिए इसको हल करके हम लोग देख लेते हैं। एचसीएफ इज इक्वल टू 9, एलसीएम इज इक्वल टू व्हाट, गिवन नंबर्स आर 306 एंड 657, वी नो दैट एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो एचसीएफ इसमें हम 9 लिख लेंगे, एलसीएम हमें मालूम नहीं है तो इसको ऐसे ही रख लेंगे, और जो दोनों संख्याएं आपको दी हुई हैं उनको भी आप इसी तरह से लिख लेंगे। तो इसका मतलब जब एलसीएम को आप निकालना है तो एचसीएफ से अब आपको दी गई संख्याओं को डिवाइड कर देना है। 9 से ही सीधे कर देते हैं, 9 3 जा और 9 4 जा हो जाता है, और इस तरह से इसका एलसीएम जो है 34 और 657 की अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 22,338 हो जाएगा, और इस तरह से आपका ये एलसीएम हो जाता है। चलिए सम नंबर 5 देखते हैं, और पांचवा सवाल है चेक वेदर nth पावर ऑफ 6 कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। एक्सप्रेसिंग 6 एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम बी ऑफ 10, 6 इज इक्वल टू 2 × 3,
आर यू कैन राइट एंथ पावर ऑफ सिक्स इज इक्वल टू एंथ पावर ऑफ टू इंटू थ्री. एंथ पावर ऑफ सिक्स इज इक्वल टू एंथ पावर ऑफ टू इंटू एंथ पावर ऑफ थ्री. तो ओनली प्राइम प्राइम्स इन फैक्टराइजेशन ऑफ एन पावर ऑफ सिक्स आर टू एंड थ्री नॉट फाइव, सो दैट एन पावर ऑफ सिक्स कैन नॉट बी एंड विद द डिजिट जीरो. अकॉर्डिंग टू सम आपने देख लिया है कि सिक्स की पावर अगर एन लगी हुई है तो ये जीरो के साथ में समाप्त नहीं हो रही, यानी इसके इकाई का अंक जीरो नहीं आ रहा, क्योंकि इकाई का अंक जीरो होने के लिए आपकी शर्त जो होती है वो ये है, दी गई संख्या के जो प्राइम फैक्टर हैं उसमें दो और पाँच आना ही चाहिए. आपके सिक्स में दो और तीन तो आया हुआ है लेकिन पाँच नहीं आया, पाँच की कमी रही है, इसलिए आपने लिख दिया कि सिक्स एंथ पावर ऑफ सिक्स कैन नॉट बी एंड विद द डिजिट जीरो. चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं और यह है सवाल नंबर छः और यह है एक्सप्लेन भाई सेवन इंटू इलेवन इंटू थर्टीन प्लस थर्टीन एंड सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन प्लस वन आर द कंपोजाइट नंबर. चलिए इन दोनों को हम लोग हल करके देख लेते हैं. सेवन इंटू इलेवन इंटू थर्टीन प्लस थर्टीन, वन टाइम इसको बराबर के बाद में हम लोग लिख लेते हैं. और अब यहाँ से दोनों टर्म जो दिए गए हैं इसमें से 13 हम लोग कॉमन निकाल देते हैं, तो यहाँ पे बचता है 7 इंटू इलेवन और प्लस यहाँ पे 1 बचेगा और इस तरह से ये 13 इंटू 78 बचेगा. अगर आप इसको और फैक्टर करके रखना चाहें तो 13 इंटू 3 इंटू 2 हो जाएगा. और अब सेकंड वाले को हल करके देखते हैं. ये लिखा हुआ था 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू टू इंटू वन प्लस फाइव लिखा हुआ था, इसको भी एक बार बराबर के बाद में हम लोग लिख लेते हैं. तो सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन और प्लस फाइव दिया हुआ. इसमें भी टू टर्म्स हैं, एक यहां से यहां तक है और एक यह है. देखेंगे तो दोनों में फाइव यहां पे भी कॉमन मिल रहा है, कॉमन ले लेते हैं. सेवन इंटू सिक्स इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन प्लस वन बचता है. आप अगर इसको आप करके देखते हैं ये 1009 हो जाता है. अगर इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे 1008 होता है, उसमें वन ऐड कर देते हैं तो इस तरह से 1000 ये 9 हो जाता है. सो दैट द गिवन नंबर्स आर कंपोजाइट नंबर. और सवाल कह रहा था ये दी गई संख्याएं कंपोजिट नंबर क्यों है, इसका आपको रीजन देना था. तो आप जानते हैं जो कंपोजिट नंबर होती है जिसको हम लोग भाज्य संख्या कहा करते हैं, और उसकी शर्त ये होती है दी गई संख्या के दो से अधिक गुणनखंड होना ही चाहिए. आपने देख लिया है इसमें भी दो से ज़्यादा गुणनखंड है और इसके यहाँ पे दो गुणनखंड ये आपने लिख रखे हैं, और आपको मालूम है वन और दी गई संख्या स्वयं की गुणनखंड होती ही है, तो इसमें भी अभी दो संख्याएं बढ़ा सकते हैं. अगर इसका मल्टीप्लाई कर लो उसका भी लिख सकते हैं और एक भी लिख सकते हैं. इस तरह से आप लोगों ने देख लिया कि दी गई संख्या एक कंपोजाइट नंबर है. तो इस तरह से आज की एक्सरसाइज हमारी समाप्त हुई. अगर आप लोगों को हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें.